हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री क्लासेस एंड टुडे वी आर डिस्कस अबाउट इम्परफेक्शंस इन सॉलिड्स। टुडे आवर टॉपिक इज अबाउट इम्परफेक्शन इन सॉलिड, मीन सॉलिड के जो स्ट्रक्चर हमने बनाए, हमने कहा कि एट एब्सोल्यूट जीरो पे ऑल हमारे पास क्रिस्टल्स रहते हैं, उनकी रेगुलर अरेंजमेंट होता है आयंस का। वो आयंस कभी कभी रेगुलर अरेंजमेंट टूट जाए तो हमारे पास अराइज हो जाते हैं डिफेक्ट्स। तो टुडे वी आर डिस्कस अबाउट डिफेक्ट्स इन इम्परफेक्शन इन सॉलिड। ओके, वी नो दैट कि एट एब्सोल्यूट जीरो हमारे पास क्रिस्टल्स लेड टू हैव ए परफेक्ट ऑर्डर्ड अरेंजमेंट, और दिस परफेक्ट ऑर्डर्ड अरेंजमेंट हैव ए लोएस्ट एनर्जी एंड विद इंक्रीजिंग ऑफ टेम्परेचर। अब कहते हैं टेम्परेचर इंक्रीजेस द क्रिस्टल स्टार्ट डाइवर्टिंग, क्रिस्टल स्टार्ट डाइवर्टिंग, और क्रिस्टल हमारे पास किसमें डाइवर्टिंग, टूटना स्टार्ट होते फ्रॉम परफेक्टली ऑर्डर्ड अरेंजमेंट, फ्रॉम परफेक्टली ऑर्डर्ड अरेंजमेंट। इट मींस क्या हुआ कि एनी डेविएशंस फ्रॉम द परफेक्टली, एनी डेविएशंस फ्रॉम द परफेक्टली अरेंजमेंट कंस्टिट्यूएंट दैट इज कॉल्ड ए डिफेक्ट, that is called a defect and sometimes it is called imperfections. क्या कह रहा है हमारे पास, imperfections. Okay, and these defects are sometimes called thermodynamics defects. क्या कहलाते हैं, thermodynamics defects. Clear? आपके पास क्या बताए भाई कि absolute zero पे crystal के हमारे पास क्या होते हैं, एक रेगुलरली ऑर्डर्ड अरेंजमेंट होता है, उनमें लोवेस्ट एनर्जी होती है, टेम्परेचर बढ़ता है तो परफेक्टली डेविएशंस होता है उस रेगुलर अरेंजमेंट में से, और हमारे पास अराइज होता है एक डिफेक्ट। क्या अराइज होता है हमारे पास, एक डिफेक्ट, ठीक है आपके पास, और दैट टाइप ऑफ डिफेक्ट इज नोन एज इम्परफेक्शंस। क्या कहलाया, इम्परफेक्शन, बट समटाइम दैट इज कॉल्ड थर्मोडायनेमिक्स डिफेक्ट। ओके, and this defect also known as आपके पास two types, ठीक है, हम कहें तो defect आपके पास क्या है, three types of the stoichiometric, non stoichiometric या आपस impurity defect, but firstly हम क्या कहते हैं कि जब electro defects कहते हैं हमारे पास which arise due to irregularities of the arrangement of atom, due to irregularities arrangement of atom, that is called atomic, yeah, atom pairs ka, that is called atomic imperfections. Kya kehla hai hamare paas, atomic imperfection, aur kya kaha tha, atomic defects caused by missing of misplaced ion, caused by missing of misplaced आयंस कॉल हमारे पास, वो क्या कह रहा है हमारे पास, डिफेक्ट। क्या कह रहा है आपके पास, डिफेक्ट, मिसप्लेइंग ऑफ मिसप्लेस्ड आयन, पॉइंट डिफेक्ट। क्या कहलाया, पॉइंट डिफेक्ट। क्या कह रहा है हमारे पास, पॉइंट डिफेक्ट, ठीक है। तो आपके पास पॉइंट डिफेक्ट कह दिया, एंड डेविएशन पीरियडिसिटी, एंड इफ द डेविएशन फ्रॉम पीरियडिसिटी एक्सटेंड over microscope region of the crystal, that is called line defect, that is called line defect, या आप lattice imperfections, क्या कहला, lattice imperfection, ठीक है। हमने इसमें आपके पास defect पढ़े दो, एक आया भाई point, एक आया line, okay, हमने atomic imperfection भी पढ़ा, थर्मोडायनेमिक इंटरफेक्शन भी पढ़ा, वो इनका नाम बेटा एटम्स के द्वारा हो, ठीक है। अब हमारे पास कह रहा है कि जो प्लेन डिफेक्ट है, लाइन डिफेक्ट है, आर कॉल्ड डिसलोकेशंस, ये लाइन डिफेक्ट इज आल्सो कॉल्ड डिसलोकेशन, एंड दीज डिफेक्ट आर ऑफ थ्री टाइप्स। ओके, अब हम पढ़ते हैं, लेट अस कि डिफरेंट वेरियस पॉइंट डिफेक्ट, कि आपके पास पॉइंट डिफेक्ट आर ऑफ थ्री टाइप्स, फर्स्ट स्टीचियोमेट्रिक, सेकेंड
नॉन स्टीच्योमेट्रिक, थर्ड इंप्योरिटी, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड. ओके, दैट इज द थ्री टाइप्स ऑफ पॉइंट डिफेक्ट. दैट इज द थ्री टाइप्स ऑफ पॉइंट डिफेक्ट, इंप्योरिटी, स्टीच्योमेट्रिक, नॉन स्टीच्योमेट्रिक और इंप्योरिटीज. नाउ वी आर डिस्कस इन फर्स्ट स्टीच्योमेट्रिक डिफेक्ट, इसके बारे में बात कर ले. हमारे पास पहले स्टीच्योमेट्रिक डिफेक्ट होता क्या है भाई? आपके पास स्टीच्योमेट्रिक डिफेक्ट हमारे पास क्या होता है स्टीच्योमेट्रिक डिफेक्ट कि द कंपाउंड इन विच द नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन, पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन आर एग्जैक्टली इन द रेशियो आपके पास इंडिकेट बाय देयर केमिकल फॉर्मूला. Called stoichiometric defect. क्या कहा भाई? The compound in which number of positive and ion and negative ion are exactly in the ratio, that is called आपका stoichiometric defect. क्या कहना है हमारे पास? Stoichiometric defect. ये आपके पास कहना है. अब ये जो स्टीच्योमेट्रिक डिफेक्ट है, ये आपके पास कितना होता है? टू टाइप्स का, थ्री टाइप्स एंड फोर टाइप्स. हम फोर टाइप्स मान लेते हैं, चलो ठीक है. वैकेंसी डिफेक्ट, इंटरस्टीशियल डिफेक्ट, फ्रेंकल स्कोटकी डिफेक्ट, एंड फ्रेंकल डिफेक्ट. क्या हो गया कि द कंपाउंड इन विच द नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन्स आर करेक्टली इन द रेशियो इंडिकेट बाय देयर केमिकल फॉर्मूला, दैट इज कॉल्ड, ये हमारे पास दिस क्या है. और ये एक बात और भी है भी इनके अंदर स्टीच्योमेट्रिक में, किसके लिए है कि डिफेक्ट हमारे पास क्या है? डू नॉट डिस्टर्ब द स्टीच्योमेट्रिक. एक ये डिफेक्ट इसको डिस्टर्ब नहीं करता स्टीच्योमेट्रिक, मतलब द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस को, दैट इज कॉल्ड स्टीच्योमेट्रिक. ठीक है, क्या कहलाए वो हमारे पास? स्टीच्योमेट्रिक मीन सेकंड पॉइंट क्या ले सकते हो? इट डू नॉट डिस्टर्ब द स्टीच्योमेट्रिक मीन्स द रेशियो ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस. तो वी आर डिस्कस अबाउट these four types, vacancy defect, interstitial, Schottky and Frenkel defect. So, can I discuss first vacancy? अरे भाई सीधी सी बात है, जब कोई जॉब लगनी हो, कोई काम करना हो, कोई कहीं खाली जगह हो, तो हम क्या कहते हैं भाई? They have one vacancy, two vacancy, three vacancy for this post, for this floor. फलाना 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 दिस यही कहते हैं. तो आपका मतलब क्या हो गया कि एक रेगुलर अरेंजमेंट है, किस्टल स्ट्रक्चर्स का ऑर्डर्ड रेगुलर अरेंजमेंट है, उसके अंदर से हमारे पास आयंस का गायब हो जाना कि हमने एक रेगुलर अरेंजमेंट किया बेटा. ये लीजिए पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव
ये रहा आपके पास एक रेगुलर ऑर्डर्ड अरेंजमेंट है क्रिस्टल लैटिस में हमारे पास आयंस का। इसमें से इफ इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायंस आर इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस आर मिसिंग फ्रॉम देयर नॉर्मल साइट दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट इज नोन एज क्या कहलाया वैकेंसी डिफेक्ट। क्या कहलाया वैकेंसी डिफेक्ट। क्लियर होगा पॉइंट कि एक रेगुलर अरेंजमेंट में से जिसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को जिसमें एटम आयंस और मॉलिक्यूल्स को रखा गया है उसमें से अगर हमारे पास इक्वल नंबर यानी कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव या टू पॉजिटिव टू नेगेटिव या थ्री पॉजिटिव थ्री नेगेटिव इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस आर मिसिंग फ्रॉम द नॉर्मल साइट इस साइट से गायब हो जाएंगे हट जाए तो हमारे पास क्या होगा वैकेंसी डिफेक्ट। ये जो खाली जगह दिखाई गई ये क्या कहलाती है वैकेंसी। क्या कहलाती है भाई ये वैकेंसी। इनको कह दीजिए वैकेंसी। ओके कह रहा है वैकेंसी। ठीक है अब ये डिफेक्ट क्या करेगा जब हमारे पास क्या वैकेंसी डिफेक्ट क्या करता है रिजल्ट्स इन द डिक्रीज इन द डेंसिटी। किसमें बात करता है डिक्रीज इन द डेंसिटी हमारे पास किस चीज की ऑफ द सब्सटेंस की भाई आयन कम हो गए मास कम हो गया मास कम होगा डेंसिटी डिक्रीज होगी भाई बिको डेंसिटी डिपेंड अपॉन मास। ओके तो ये आपके पास क्या हो गया वैकेंसी डिफेक्ट। क्लियर वैकेंसी डिफेक्ट क्लियर हुआ कि इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस आर मिसिंग फ्रॉम देयर नॉर्मल साइट एंड दे डिक्रीज द डेंसिटी ऑफ दिस दैट इज योर फर्स्ट वैकेंसी। सेकंड इंटरस्टीशियल डिफेक्ट हमारे पास ठीक है इसका हमारे पास डिफेक्ट क्या होता है इस डिफेक्ट के अंदर एक्स्ट्रा कैटायंस या एनायंस हमारे पास ये एक्स्ट्रा कैटायंस एनायंस आर प्रेजेंट इन द इंटरस्टीशियल साइट ए साइट विच आर बाउंड फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम्स या आयंस। ठीक है ये एक हमारे पास इंटरस्टीशियल साइट है ओके ये हमारे पास क्या है इंटरस्टीशियल साइट है। इसके अंदर अगर हमारे पास ऑलरेडी सब कुछ तो है ये चीज फिर भी हमारे पास एक्स्ट्रा कैटायन एनायन हमारे पास आ जाए एलाइज हो जाए हमारे पास ठीक है कि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इन द नॉर्मली वैकेंट इंटरस्टीशियल साइट इन द क्रिस्टल दैट इज कॉल्ड वैकेंसी डिफेक्ट सॉरी इंटरस्टीशियल डिफेक्ट। क्या कहलाया इंटरस्टीशियल डिफेक्ट। ठीक है अब थर्ड ये भी हमारे पास एक्स्ट्रा आ गए तो मास भी क्या हो गया बढ़ गया मास बढ़ गया तो इसका मतलब क्या हुआ डेंसिटी भी क्या हो गई बढ़ गई और डेंसिटी भी क्या हो जाती है इंक्रीज हो जाती है। तो आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वैकेंसी डिफेक्ट एंड शोटकी डिफेक्ट तो प्लीज यू टेल मी आप उनको बता भी सकते दो पॉइंटों के द्वारा। ठीक है यह आपका था वैकेंसी एंड इंटरस्टीशियल डिफेक्ट। नाउ थर्ड इज शोटकी डिफेक्ट। एक बात और भी है भाई इससे पहले कि जो हम वैकेंसी और इंटरस्टीशियल डिफेक्ट जो हम बताया आपको दे आर डिस्क्राइब किस पे होते हैं कैन बी शोन बाय नॉन आयनिक सॉलिड। किससे दिखाई जाते हैं वो डिफेक्ट आर शोन बाय नॉन आयनिक सॉलिड। आयनिक सॉलिड में हमारे पास क्या होते हैं डू नॉट एग्जिबिट सिंपल वैकेंसी और इंटरस्टीशियल डिफेक्ट ये हमारे पास शो नहीं करते हैं। ठीक है अब आयनिक सॉलिड क्या होते हैं ऑलवेज मेंशन आयनिक सॉलिड क्या होते हैं कि इंटरस्टीशियल डिफेक्ट को वैकेंसी को आयनिक सॉलिड के अंदर जो बेटा वैकेंसी डिफेक्ट है वो आपका हो जाता है सोट की एंड जो इंटरस्टीशियल है वो आपका हो जाता है फ्रेंकल। तो फॉर आयनिक सॉलिड वी आर डिस्कस अबाउट सोट की एंड फ्रेंकल वी आर डिस्कस अबाउट शोटकी एंड फ्रेंकल। अब देखिए आपने ऊपर लिख रखा हमने बता रखा है कि शोटकी डिफेक्ट किसको राइज कर रहा है
वैकेंसी को, वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, ये दोनों नॉन आयनिक सॉलिड के लिए है, ये दोनों किसके लिए है, आयनिक सॉलिड के लिए है। अब हमारे पास क्या कहता है भाई, आपके पास कि इसमें हमारे पास क्रिएटेड कब आयन, वन पॉजिटिव आयन एंड वन नेगेटिव आयन दोनों हमारे पास आर मिसिंग फ्रॉम देयर रेस्पेक्टिव पोजिशन। कि आपके पास देखो एक पॉजिटिव लिख दिया, एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। पहले हम एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं रेगुलर अरेंजमेंट का, ये आपके पास आयंस हैं, कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल हैं, रखे गए हैं एक रेगुलर अरेंजमेंट के अंदर, ठीक है। अब उसने कहा इन दिस डिफेक्ट द रेगुलर ऑर्डर्ड अरेंजमेंट वन इज पॉजिटिव आयन एंड वन इज नेगेटिव आयन आर मिसिंग, गायब हो जाते हैं फ्रॉम परफेक्टली इट्स पोजिशन, उसकी पोजिशन से हमारे पास, ठीक है, मिसिंग फ्रॉम देयर रेस्पेक्टिव पोजिशन और लीविंग बिहाइंड, और पीछे हमारे पास क्या छोड़ देते हैं, लीविंग पेयर ऑफ होल। ये जो बात की हमने, ये है पेयर ऑफ होल, पेयर ऑफ होल, और दैट इज कॉल्ड हमारे पास क्या हुआ, शॉटकी डिफेक्ट। क्या कह रहा है, शॉटकी डिफेक्ट। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि शॉट की डिफेक्ट क्या है, वैकेंसी डिफेक्ट। सिंपली क्या कह सकते हैं, शॉट की डिफेक्ट क्या है भाई, वैकेंसी डिफेक्ट है। अब ये क्या कह रहे हैं कि भाई द सम वन कॉमन आयनिक कंपाउंड विद हैव हाई कोऑर्डिनेशन, कुछ कॉमन आयनिक कंपाउंड होते हैं जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, ज्यादा होता है हमारे पास, वेयर साइज ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव आयंस आर ऑलमोस्ट इक्वल, और उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस की जो साइज होती है आर ऑलमोस्ट इक्वल। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं सोडियम क्लोराइड है, NaCl है, KCl है, CaCl2 है हमारे पास, सोडियम क्लोराइड, NaCl, पोटेशियम क्लोराइड, KCl, CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड, या AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड एंड KBr, पोटेशियम ब्रोमाइड एटसेट्रा। यहां तक बात हो गई। नेक्स्ट कह रहे कि जब हमारे पास द नंबर ऑफ डिफेक्ट्स इंक्रीज विद, क्या है ये डिफेक्ट का भी इंक्रीज होता है विद इंक्रीज क्या इन टेम्परेचर, ये डिफेक्ट इंक्रीज कब होता है, जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा दिस डिफेक्ट विल आल्सो बी इंक्रीजमेंट, मींस मोर एंड मोर आयंस विल बी मिसिंग फ्रॉम देयर नॉर्मल साइट। इसका मतलब क्या होगा, फ्रॉम मोर एंड मोर आयंस मिसिंग फ्रॉम देयर नॉर्मल साइट। इससे क्या हुआ कि फॉर एग्जाम्पल हमने लिए सोडियम क्लोराइड है, उसके डेफिनेट होती है हमारे पास क्या 10^15 लैटिस साइट्स होती है रूम टेम्परेचर पे, बस टेम्परेचर राइज होता है कितना हमारे पास नियर अबाउट 1075 केल्विन पे, तो उसकी पावर हो जाती है 10^4, ठीक है 1075 केल्विन पे कितना हो जाता है 10^4, और 10^6 किस पे होता है भाई आपका 777 केल्विन पे, ठीक है 777 केल्विन पे आपके पास कितना हो जाता है 10^6 वैल्यू हो जाती है एट रूम टेम्परेचर NaCl के आयंस की, लैटिस साइट्स के बारे में, ठीक है। और आपके पास क्या होगा, ये क्या कहते हैं डिक्रेस, जिसके अंदर आयंस कम हो रहे हैं भाई आपको दिखाई दे रहा है, तो डेंसिटी को क्या करते हैं डिक्रीज करते हैं, क्या करते हैं वो डिक्रीज। तो मैं आपको फिर दोबारा रिपीट करवा रहा हूं बेटा, सूट की डिफेक्ट क्या है हमारे पास, ए डिफेक्ट इन विच द कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल आर इरेगुलरली ऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ आयंस इन विच वन पॉजिटिव आयन एंड वन नेगेटिव आयंस आर मिसिंग फ्रॉम देयर नॉर्मल positions, from their respective positions and leaving of a pair of hole, that type defect is known as Schottky defect. क्या कहलाया, Schottky defect, ठीक है। और some common ionic compounds है जिसके हमारे पास, जिसमें in which cation and anions are equal in size, और जब वो equal in size होते mass भी उनका क्या होता है बढ़ जाता है, ठीक है आपके पास, और mass बढ़ गए sorry कम हुए गायब हो जाते, तो उसमें से भाई कम हो गए ना तो मास डिक्रीज हो गया, डेंसिटी भी क्या होती है डिक्रीज होती है। फॉर एग्जांपल हमने लिया सोडियम क्लोराइड लिया, उसके हमारे पास 10^15 टाइम्स लैटिस होता है, बट अगर 771 केल्विन की बात करें तो वो पाती है 10^6, और 1057 केल्विन पे करें तो होती है 10^4, इट मींस दैट विल बी इंक्रीज विद इंक्रीजिंग ऑफ टेम्परेचर, ये बात भी हो गई, ठीक है कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गए ज्यादा हो गए, दैट इज योर शॉटकी डिफेक्ट। नाउ सेकंड इज योर
फ्रैंकल इफेक्ट। सेकंड, वही हमारे पास रेगुलर आए, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव। इसमें भी हमने क्या है लिख रखा है, फ्रैंकल इफेक्ट कैसा है, इंटरस्टिशियल इफेक्ट है। कैसा डिफेक्ट है? इंटरस्टिशियल इफेक्ट हमारे पास। इसमें क्या होता है कि व्हेन एन आयंस लीव्स इट्स करेक्ट लैटिस साइट, आयंस लीव्स इट्स करेक्ट लैटिस साइट और आपके पास एंड ऑक्यूपाइज एन इंटरस्टिशियल साइट, कोई भी आयन जाएगा और वो आपके पास कहां राइज हो जाएगा, आपकी इंटरस्टिशियल साइट्स के अंदर, वो कहलाए डिफेक्ट आपके पास फ्रैंकल डिफेक्ट। क्या कहलाया आपके पास? फ्रैंकल डिफेक्ट कहलाया हमारे पास, ठीक है। और इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ वैकेंसी डिफेक्ट एंड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वैकेंसी डिफेक्ट एंड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट हमारे पास, ठीक है। और ये डिफेक्ट आपके पास कहते हैं कि इट क्रिएट्स ए वैकेंसी डिफेक्ट कब, इट्स ओरिजिनल साइट एंड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट एट इट्स न्यू लोकेशन। पहले तो क्या करता है कि भाई गायब कर देता है, ये वैकेंसी दिखा दी, फिर उस एनायन को कहां पुटअप कर देता है, इंटरस्टिशियल साइट में, इसको गायब कर दिया, यहां से मिस कर दिया, गायब यहां से, तो भैया ये हो गए वैकेंसी डिफेक्ट। और ये कहां जाके लाइज हो गए, इसके अंदर हो गए हमारे पास, तो ये आपके पास कैसा राइज हो गया, इंटरस्टिशियल साइट में हो गया, तो दोनों डिफेक्ट को राइज कर रहा है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि दैट इज कॉल्ड, इसको हम क्या कहते हैं, डिसलोकेशन डिफेक्ट। क्या कहलाता है ये हमारे पास? डिसलोकेशन। क्या कहलाया? डिसलोकेशन डिफेक्ट, ये कहलाया हमारे पास डिसलोकेशन डिफेक्ट। और इट डज नॉट हैव एनी इफेक्ट ऑफ द डेंसिटी ऑफ द सॉलिड, ये कोई इफेक्ट नहीं डालता डेंसिटी ऑफ द सॉलिड के ऊपर। मींस फ्रैंकल इफेक्ट आर कॉमन इन आयनिक कंपाउंड व्हिच हैव लो कोऑर्डिनेशन नंबर, ये कॉमन होता है आयनिक कंपाउंड में जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, लो होता है। बट इन सॉल्ट के डिफेक्ट में क्या था, ज्यादा था हाई कोऑर्डिनेशन नंबर में, ये क्या है, कम में है। फॉर एग्जांपल ले लिया हमने इनके लिए, इसके लिए तो क्या था NaCl, KCl, AgBr, KBr, CaC, AaCl2, और इसके लिए हमारे पास एग्जांपल क्या है, हमारे पास ZnS, जिंक सल्फाइड हमारे पास, ठीक है, AgCl हमारे पास, AgBr, क्या हमारे पास ZnS, AgCl, AgBr, AgI, etc. These are the example of Frankel defect. तो यहां हमारे पास क्या होगा कि डिफरेंस हमारे पास क्या है, देयर इज ए लार्ज डिफरेंस इन साइज बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस, बट वहां क्या थे, वो इक्वल इन साइज में थे। बट यहां पर बच्चों एक क्वेश्चन बन गया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वैकेंसी एंड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन शोटकी एंड फ्रैंकल डिफेक्ट, एंड दैट क्वेश्चन विल बी अराइजेस आई थिंक दैट नियरली 3 मार्क्स, ओके। यू कैन रीड एंड टू सी माय वीडियो केयरफुली, दैट इज द थ्योरेटिकल पोर्शंस इज मोस्टली, ठीक, कर लीजिए, थैंक यू।